गाइस तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आप लोग खान सर को जानते होंगे, जो पिछले 1-2 महीने में ज़्यादा ही ट्रेंडिंग पर चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने गोपालगंज, सिवान और छपरा के बारे में इतना गलत बात बोला है, जिसे मैं इस वीडियो को देखा तो मेरे को भी गुस्सा आया, क्योंकि मैं भी गोपालगंज का रहने वाला हूँ। और आप लोग भी देखेंगे, अगर यदि गोपालगंज, सिवान या छपरा या आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके जुबान की, क्योंकि वो एक टीचर हैं, उनको इस तरीके का बात नहीं बोलना चाहिए इस जिससे किसी को ठेस पहुँचे। तो आप लोगों को इसी वीडियो में सुनने को मिलेगा कि खान सर ने, जो पटना के रहने वाले हैं, अपने गोपालगंज ज़िले और सिवान छपरा ज़िले के बारे में क्या बोला है। और इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खान सर ने गोपालगंज, सिवान, छपरा के बारे में क्या बोला है। ये जगह, ये सिवान, छपरा और यहीं पे है गोपालगंज, ये तीन ऐसे जिले हैं जहाँ पे लोग इतना ना विदेश में रहते हैं, इतना विदेश में, जहां देखोगे ना कोनो काम हम सीखा सीधे कहां पे विदेश। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं विदेश में, जब ये रहते हैं वहां का ऑक्सीजन, वहां का खाना पानी, वहां के हवाओं को प्रदूषित करते हैं, वहां मेहनत करते हैं, वहां काम करते हैं और खड़े पैसा भारत में भेजते हैं। और भारत सरकार को देखिए और बिहार को सरकार को देखिए, किस तरह से ये लोग अपनी आंखें मूंद के बैठे हैं कि बिहार में एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं दिया गया था कि ये सऊदी, केवल इन तीन जिला का विदेश से पैसा रोक दीजिएगा तो बिहार की जीडीपी में कई प्रतिशत का अंतर आ जाता है। मतलब वहां पे जीएनपी वगैरह जो निकाला जाता है, जीडीपी